भाई एक शॉप पे आए हैं जिसके सामने समोसा इतने तगड़े तगड़े मतलब पूछो मत ये देख रहे हो नहीं समझ रहा कौन सा लोग भाई देख रहे हो एक्सीडेंट क्या हाल होगा बाहर गाड़ी छत सी उड़ गई भाई। एक तो ये है ये सही लग रहा है रस्तों और बुड़ वाला ये है बुड़ वाला ऐसा है तो मतलब और मेन चीज़ इस साइलेंसर मफलर को ना वेल्ड कराऊंगा मैं वेल्ड भाई। अभी हम आ रहे थे एक ने ना पीछे से मतलब इतनी स्पेस से ठोकर मारी फिर ओ भाई ये तो मारी थी ना बैड। और उसके अगला व्लॉग भाई बहुत ही तगड़ा व्लॉग आने वाला देखना मत भूलना मतलब सिस्टम करे बिल्कुल ठीक है। ये देख रहे हो तुम क्या हाल हो रहा है बॉडी का क्यों लगाता है भाई ऐसे काम क्यों करते हैं लोग समझ नहीं आता मैं साइड में तो आन दे बड़ी तेज चला रहा है तो वे मूड जे अट्टा पण है बट के है। गुड मॉर्निंग चीतोस वेलकम बैक टू द व्लॉग देख रहे हो खाना खा रहा हूं खाऊं ये राजमा है राजमा और परांठे देखो कितने सारे हैं ये खुर्जा आ ये देख लो और एक और चीज़ देखो सिस्टम मैक्रोनी पील रहा हूँ मौज आ रही मौज भाई। यार तुम पहले कमेंट करके बताओ कि कौन से उसमें वीडियो बनाऊँ जैसे अभी बन रही है वाइड एंगल में बन रही है ठीक है व्लॉग बन रहा है और अब मैं फ्रंट कैमरे से बना के दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा ठीक है अब हाँ अब ठीक है ना तो बता दो भाई किससे बनाऊँ इससे या फिर पहले वाले से वैसे मैं दोनों से बनाता हूँ बाकी तुम बता देना। और बाकी चल रहे हैं अपना क्या आज का प्लान तो तुम्हें पता ही चल गया होगा थंबनेल देख के जो आ जाओ तुम मुँह उठा के जाते हो वैसे तुम्हारा भाई मुँह उठा के ही आता है मुँह झुका के कौन आता है ऐसे उठा के आते हैं है ना। तो आज हम जा रहे हैं तरुण को लूँगा साथ में अभी और कश्मीर गेट जाएंगे छोटी मोटी चीज़ लाएंगे मेरा ना साइलेंसर मफलर हट गया था तो उसे लाना है और नया लाएंगे वो और बढ़िया सा लाएंगे जो मतलब गाड़ी पे बढ़िया लगे ठीक है। और कोशिश करूँगा कि क्रोम वाला मिल जाए क्रोम वाले की ना बात ही अलग है ये अपना झोटा खड़ा है नीचे ठीक है ये अभी क्या गिरा हुआ है कबूतर वगैरह बीट कर जाए देख रहे हो कबूतर वगैरह बीट कर जाओ इनकी कुछ क्या करें इनका कोई नहीं अभी इसे साफ करके फिर निकलेंगे अपना सिस्टम भी लगने वाला है सारा सामान आने वाला है टेंशन मत लो ठीक है। उसके लिए अभी मुझे दो चीज़ें और लेनी है अभी मतलब छोटी मोटी बाकी वूफर और क्या कहते हैं मिड अभी आ जाएगी थोड़े दिनों में। अभी क्या लेनी है मुझे वूफर वायर लेनी है और स्पीकर वायर लेनी है ठीक है तो उसे लेंगे और साइलेंसर मफलर देख लेंगे और दो तीन चीज़ें देख लेंगे छोटी मोटी चीज़ें है ना। तो मतलब ये मान के चलो कि बढ़िया बढ़िया छोटी मोटी चीज़ें लाएंगे जो बढ़िया लगे अपनी गाड़ी पे और तुम्हें भी दिखा दूँगा कैसा लगे और क्या का क्या चीज़ें लाता हूँ ठीक है। बाकी वहीं जाके डिसाइड करते हैं अभी तरुण को ले लूँगा साथ में चलते हैं थोड़ी देर में और इसके बाल कटवाने हैं। हाँ भाई हाँ क्या है तुझे क्या है ठीक है मिले ओके मिलते हैं ओके जी और बजाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा कैसे दिन आ गए यार भगवान जी के गाने भी ना सुन पा रहे हो बस तुम्हें सुना ना पा रहा बस तो सुन रहा हूँ लेकिन तुम्हें सुना ना पा रहा कैसे दिन आ रहे बताओ जी। तो चीतोस भाई नीचे आ लिए हैं गाड़ी अपनी खड़ी है रेडी है हाँ रेडी है लेकिन यार धूप फक भाई यार कितनी धूप हो रही है यार हट। ये मैंने पेपर में पढ़ा था अगस्त के आखिरी दिनों में ना आखिरी महीनों के दिनों में गर्मी बहुत ही ज़्यादा कोई ना अभी मैं पर्दे वर्दे लगाता हूँ धूप वूप आ रही है वैसी और बढ़िया भी लगे हैं ठीक है तैयारी करूँ मम्मी भी चल रही है बहन भी चल रही है और वो कुकी भी चल रही है उसके बाल कटवाने वहाँ जाके उससे नहीं होते वो परफेक्ट जो क्या होते हैं वो परफेक्शनिस्ट पता नहीं क्या कहते हैं उससे कटवाएंगे गर्मी बहुत पड़ रही है यार इसके बाल वैसी बेचारी गर्मी बहुत लगती है इसे खुजलाती रहती है तो इसके बाल भी कटवाने हैं और अभी चलते हैं निकालते हैं गाड़ी को ठीक है अभी गाड़ी के पहले पर्दे लाऊंगा। लो जी तो भाई यहाँ पर आ लिए थे नीशू के घर नीशू गया हुआ है कॉलेज और इसके पास आया हूँ मैं इसे ले चल रहा हूँ ये देख रहा हूँ शेरनी दिखाऊँ तुम्हें उसके बाल देखो पीछे की क्या देख रही है हाँ भाई चलें चलो भाई चलो सिस्टम ले लें भाई। अभी हम आ रहे थे एक ने ना पीछे से मतलब इतनी तेज़ से ठोकर मारी मैं भी कह रहा कि उससे क्या ही पैसे लूँ स्कूटी थी टूटी फूटी और ऐसी हालत से हो रखी थी मतलब पीछे से उसने भेड़ दी और टायर देख रहे हो क्या हाल हो रखा है
अबे क्या हो रहा है, ईंट की वो और ये क्या सिस्टम, वरना किसकी है? हाँ ठीक है, अपने धोता भी कम नहीं है ये वो भाई। ये क्या, ये तो मारी उसने भेड़। ओ यार भाई ये देख रहे हो तुम क्या हाल हो रखा है, ये ईंट का बुरादा से नहीं होता पानी का, वो इसमें लग गया। ये साफ करो, पता नहीं कैसी गंदी सी लग रही है। कोई नहीं, इसे साफ करता हूँ फिर निकलते हैं जल्दी से। ये देखो लूंडो गाड़ी साफ कर रहा है। भाई निकल लिए पूरे सिस्टम के साथ। और भाई तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, जहाँ से मैं निकलता हूँ ना अपने घर से, गाजीपुर का पेट्रोल पंप है वहां पर, पता है पेट्रोल पंप वाले ने लोग कैसे रखे हैं, घूमे बहरे घूमे बहरे। मतलब पेट्रोल पंप देख रहा कितना बढ़िया है, वहां पर घूमे बहरों का काम मिल रहा है। मतलब जैसे आया मैं कह रहा हूँ उसे कि 580 का डाल दे पेट्रोल, तो वो कहता आवाज नहीं आ रही, मतलब ऐसे 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 कर रहा। तो उसने क्या किया, अपना मोबाइल दिया और फिर कह रहा कि इसमें लिखो, फिर मुझे पता लगा कि ये कह रहा है इसमें लिखो, फिर मैंने डाला 580, उस फिर उसे समझ आया। मतलब भाई गूगल भैरों को काम दे रहे हैं, सही पेट्रोल पंप है भाई कसम से। और दिल्ली के पेट्रोल पंप पे इतना ज़्यादा पेट्रोल आता है पूछो मत, तुरंत ही रीडिंग आ जाती है। अगर तुम यूपी से भरवाओगे ना, जैसे मान लो तुम 500 भरवा रहे हो तो एक डंडी का फर्क आएगा, जैसे मैंने 500 का भरवाया यूपी में तो 2 डंडी आएगी, और दिल्ली में भरवाओगे तो 3 डंडी, इतना फर्क है। सोच रहा दिल्ली बढ़िया है साड़ा, दिल्ली में तो CNG है। CNG से चलती पूरा प्रेस तगड़ा दिल्ली का। केजरीवाल केजरीवाल सरकार। चलो भाई निकल रहे हैं, और तुम्हें बता दिया मैंने क्या क्या लूंगा। ये देख रहे हो गियर का हाल कैसे चलाता हूँ मैं अपनी गाड़ी, सिस्टम के साथ बढ़िया सब करके चलाता हूँ मैं। अभी नया गियर नॉब ले लेंगे और बढ़िया सा लूंगा, ये नहीं कि मतलब वो नहीं आते वो स्केलेटन जैसे, वो नहीं लेने तो साढ़े गंदी सिंपल से लूंगा। हाँ क्रोम वाला देखा था मैंने शायद तुम्हें पिछली बार दिखाया भी था, तो वो वाला ले लेंगे। और मुझे कॉपर वायर, वो स्पीकर वायर लेनी है, बूफर वायर लेनी है, तो सिस्टम में काम आएगा। ठीक है सारा काम कश्मीर गेट से लगाऊंगा, मतलब ले जा रहा हूँ और लगाऊंगा उससे, पता किससे लगा रहा हूँ, वो प्रतीक बैसला नहीं है उससे, हाँ बढ़िया काम करता है वो। दुकान नहीं है वो, मॉड स्टेशन नहीं है, तो उन पे जाके वो भी ब्लॉग बनाते हैं, उनसे लगवाएंगे। अगर तुम जानते हो तो चैनल जाके विजिट कर लेना, अगर तुम्हें पता हो तो, प्रतीक बैसला नाम है। ठीक है उनसे लगवाएंगे, और अभी चलते हैं सीधा लेने चलते हैं, क्या क्या रेट है तुम्हें बता दूंगा। चलो और हाँ भाई तुम्हें एक दो बात और बतानी थी, तुम नोटिस कर रहे होगे मैं तुम्हें शायद दिखाया है नहीं, गाड़ी के पीछे ना हिंदू हट गया, और वो पापा की वजह से, मतलब पापा की वजह से क्या ही, आजकल ना कुछ ज़्यादा ही चलान कट रहे हैं, मतलब पीछे कुछ भी लिखवाओ ना, जैसे जाति लिखवा लेते हैं, जाट गुजर ब्राह्मण ये सब, ठीक है लिखवा लेते हैं, सब पे चलान है सब पे। अब धर्म पे भी होने लग गए, हिंदू पे भी चलान होने लग गया, मैंने 3-4 केसेस सुने थे, अखबार में भी आया, और क्या कहते हैं उसे, मैंने मतलब वीडियो में भी देखा था, तो इसलिए पता नहीं मैं तो हटाता नहीं, देखो बिल्कुल नहीं हटाता। पापा ने क्या करा, सोए सोए चुपचाप से हटा के, मतलब चुपचाप से हटा के, मैंने कहा ये हिंदू कहाँ से, मतलब किसी ने हटा दिया होगा, ये सोच रहा मैं। फिर मैंने पापा से पूछी, कह रहे हैं हमने हटा दिया, मैंने क्यों, तो कह रहे हैं कि चलान कट रहे हैं, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ। अब यार कर भी क्या कर सकते हैं, कि मम्मी पापा बोल रहे हैं तो छोड़ो, क्या कर सकते हैं, वैसे भी चलान कट रहे हैं। और तुम्हें बता रहा हूँ क्या है, पड़ा कारपेट मुझे लग रहा कुछ मरा पड़ा है, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई जाति धर्म पे भी मतलब गाड़ी के पीछे लगाने से ना चलान वान कट रहे हैं, तो सतर्क हो जाओ। ठीक है बाकी मुझे तुम्हारा तुम्हें बताने का वो फर्ज है, तो बता रहा हूँ, तो बाकी ध्यान रखना ताकि चलान वान ना कटे। ठीक है, ठीक है भाई, ओके भाई। देख रहे हो एक्सीडेंट क्या हाल हो गया भाई, गाड़ी को छत से उड़ गई, इसी की वजह से लोग जाम, भाई इसका बम्पर उठा पड़ा, अबे छत से उड़ गई उसकी, पानी क्या इसमें ठोकरा होगा शायद, इसमें डिवाइडर में ठोक रखी होगी, पलटी होगी या फिर पी रखी होगी इसने। हाँ जी कैसे देख रहे हो, ये कह रहा है कि ये लगवा लूँ, जो ये ऊपर के ऊपर लिखा हुआ है ना, मतलब ये सामान वामान रखने का, ये लगवा लूँ, पता नहीं कमेंट करके बताओ, फिर मैं भी ऊपर चला लिया करूँगा।
फिर गाड़ी को देख के और बंदे भी इम्प्रेस हुआ करेंगे, क्या पता टिप विप दे जाए 10-20 रुपए 10-20 रुपए के लिए तो है। ओला में लगा दो वैगनार सारी। हाँ ले भाई, कश्मीरी गेट पहुँच गए हैं। आ रहे हो या नहीं कश्मीरी गेट? यहीं पर डेरा जमा लो, ठीक है। तो पहुँच लिए हैं कश्मीरी गेट और फिर से यार भाई को देनी पड़ रही गाड़ी। क्यों उताया हमारा तो? कोई नहीं, रख लेंगे अपने पास। सही बात है, देख रहे हो भीड़ कितनी है। आजा आजा भारकू भाई को दे दिया मैंने, अब ये कर लेंगे खड़ी और हम आते हैं लेके सीधा सामान, ठीक है। चलो उठ गए, गाड़ी को देख के ना अलग ही मजा सा आ जाओ। और थोड़ी सी उठवा रखी है ना, अब ले जा रहा है ये पार्किंग में, पानी वहीं खड़ी करेगा शायद। ये तरुण पता कर रहा है लॉक गाड़ी के, जो अंदर के वो होते हैं ना खोलने, मतलब बाहर के, पता नहीं अंदर के बाहर के, वो पता कर रहा है। अर्जुन भाई ने बोला है कि लॉक भी लिया ना, तो पता कर रहा है कि लॉक वॉक कहाँ मिलेंगे। अरे भाई गियर नॉब तो यहाँ भी है भाई। अभी हमने लॉक पूछे सेंटरों के जो चाहिए हमें, अंदर के और बाहर के, पीछे वाले डोर के, तो कह रहा 200 रुपये। और इसने पता नहीं कहीं यहीं से पता करी थी, शालीमार गार्डन से पता करी, अपनी जगह से पता करी थी। तो एक कितने का था? 200-250 को दे रहे हैं वहाँ भी। तो मतलब भाई फर्क पड़ा ही नहीं, कश्मीरी गेट महंगी तो नहीं होगी। समझ नहीं आ रहा मुझे, बाकी अंदर पता कर लेते हैं जहाँ पर हम जाते हैं उसी पतली रोड पे, पतली सी गली में, ठीक है, वहाँ भी पता करते हैं। और बाकी अपना सामान लेना ही है, ठहर जाओ थोड़ा समय दे दो मुझे भाई। अभी जाते जाते ग्रिल भी पूछ लेते हैं वैगनार की, जो हमें क्रोम की लेनी है और उसे काली करवा के लगाएंगे, होप करो बढ़िया लगे। बस रेट वेट पूछ लेते हैं कि ग्रिल के कितने रेट मिल रहे हैं, और फिर बाकी बाद में तो लेनी है ना। तो भाई एक शॉप पे आए हैं और गियर नॉब दिखाना, भी वो वाला भी दिखाना, गियर नॉब नहीं वाला वुड वाला भाई। एक तो ये है, चलो मैं बेचता हूं, ये सही लग रहा है तो, और वुड वाला ये है, वुड वाला ऐसा है, तो मतलब बढ़िया ये लग रहा है तो इसे निकलवा रहे हैं, ठीक है भाई। एक शॉप पे आए हैं जिसपे साइलेंसर मतलब इतने तगड़े तगड़े, मतलब पूछो मत, भी देख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा लूँ, ये डबल वाला कैसे ना, ये डबल वाला है, बढ़िया कौन सा लग रहा है ये तो बैग लिया था। पहले ऐसा मुड़ा हुआ वाला था, ये सही है, देखा ना। हेलो हाँ जी, एक ये है भाई, भाई जो मैं अभी तुम्हें दुकान दिखा रहा था ना, उस पर साइलेंसर का फर्क इतना महंगा दे रहा है, मतलब जहाँ से मैं इसने खरीदा, कितने का लिया था तूने? 250 पता है कितने का दे रहा? 950 को दे रहा साला। सुन के इतना दिमाग खराब सा हो गया, अब उसी दुकान पे जा रहे जहाँ से इसने लिया था ना, तो वहाँ देखते हैं वहाँ कैसा मिलता है, क्या रेट का मिलता है भाई। बाकी लॉग भी मिल गए हैं सेंटरों के, दिखा दोनों सस्ते में मिल गए हैं वहाँ, पता नहीं बाहर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें तो बाहर वाली गली में महंगे बता रहे हैं, और अंदर तुम आओगे ना तो मतलब सस्ते हैं भाई। तुम्हें लॉग दिखाऊँ लॉग के डब्बे कैसे हैं? तो भाई ये है, ये बाहर का है ना, ये तो सिंपल सा है सेंटरों का, सिंपल ही होता है। अच्छा ये बाहर, और अंदर का, अंदर का पूरा निकालना। तो भाई ये है अंदर के, इस शॉप पे आए हैं, देख रहे हो यहाँ पर ये देखो, खाने खाने असली लग रहा भाई। एक मिल गया, एक पसंद किया, दो है वैसे तो, ये देख रहे हो ये दो, एक ये है और एक ये है, मतलब इसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, और है बड़ा ये, पर ये ही सेलेक्ट कर लिया है मैंने, ये ले रहा हूँ, ठीक है। और निकलवा रहे हैं पीछे, में तुम्हें कुछ नया दिख रहा है? हट जा हट जा, बीच में क्यों आ रहा है व्लॉग बनाने दे। ये देखो ऑडी असाइन, ऑडी जा रही है भाई, ऑडी एसेंट नई गाड़ी निकली है भाई, ऑडी एसेंट जाके खरीद लो, शोरूम में निकली है, तुम देख सकल देखता हूँ इसकी कैसी है। ऑडी का क्यों लगाते हैं भाई, ऐसे काम क्यों करते हैं लोग, समझ नहीं आता। अरे साइड में तो आंध बड़ी तेज चला रहा है, तो 60 की स्पीड पे है, देख लो भाई ऑडी लगा रहा है इस एंड के पीछे।
भाई आ लिए थे, सारा सौदा सामान लेके आ गए थे, ठीक है। बाकी तरुण और वगैरह तो मैंने घर छोड़ दिया था, मम्मी बहन को वापस ले आए थे। और एक बात और, अगला व्लॉग ज़रूर देखना। अगला व्लॉग में क्या है, मतलब मैं लगवा लूँगा ये सारा सामान, ठीक है। तो और मेन चीज़, इस साइलेंसर मफलर को ना वेल्ड कराऊंगा मैं, वेल्ड। तो तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा कि वेल्ड कैसे कराते हैं, कितने में कराते हैं, और गाड़ी में सही बैठता है या नहीं वेल्ड करा के, ठीक है। और बाकी अपना गियर नॉब भी लगवा लेंगे। और उसके अगला व्लॉग भाई बहुत ही तगड़ा व्लॉग आने वाला है, देखना मत भूलना। मतलब क्या एग्जाम्पल दूँ तुम्हें, सिस्टम के रिलेटेड है, ठीक है। ओके, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं, बाय।